अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। थैंक यू सो मच गाइस के मेरी पहली वीडियो पर आपने बहुत सारा प्यार दिया, अप्रिशिएट किया। आप लोगों को बहुत पसंद आई, आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, तो मुझे यही चीज़ चाहिए, आप लोगों को ऐसी तरह मुझे प्यार चाहिए। तो तभी जाके मैं आगे अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा जिससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताता रहूंगा कि पेंसिल कौन सी ब्रांड की अच्छी रहती है, पेपर कौन सा अच्छा रहता है, वाटर कलर, आई पेंटिंग, जो भी मेरी नॉलेज में अच्छी अच्छी चीजें होंगी मैं जरूर आपको बताता रहूंगा। आज की जो हमारी वीडियो बनने वाली है उसमें मैं आपको बहुत अहम पॉइंट बताऊंगा कि अमूमन जो कि हम ड्राइंग करते वक्त गलतियां करते हैं, तो आज उनको ठीक कैसे किया जाए, वो क्या पॉइंट्स हैं जो कि हमें उन पॉइंट्स पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जी गाइस, तो पॉइंट्स ये थे कि जो हमारी पहली वाली वीडियो थी उसमें हमने ये एक जरी बनाया था, उस पर ये ग्राफ लगाए थे। तो पॉइंट इसमें क्या था कि ये जो ऊपर वाली लाइन है ये बिल्कुल सीधी ही होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि चलो भाई हमने एक अंदाजे से जो है ना ये एक ऐसे लकीर खींची कि बज़ाहिर हमें तो वो सीधी लगे कि बाद में उसको हम एक यहाँ लगा दी और एक यहाँ लगा दी, फिर टेढ़ी मेढ़ी करके अंदाजे से एक यहाँ लगा दी, फिर एक यहाँ लगा दी, तो फिर बॉक्स। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ ये बॉर्डर इसका टेढ़ा रहेगा तो ऑटोमेटिकली ड्राइंग बिल्कुल ही टेढ़ी हो जाएगी। फिर अगर हमने यहाँ पर जो हमारे ग्राफ हैं वो टेढ़े हमने लगाए हुए हैं तो फिर जो जाहिर है जिस पेपर पे मसलन के हमने इस न्यू पेपर पे बनाना है फिर जाहिर है यहाँ भी टेढ़े होंगे, तो बिल्कुल कोई फायदा ही नहीं रहेगा। तो इसको करना क्या है कि पहले बिल्कुल मतलब पेपर के ऊपर से जो है ना लेके पेपर के ऊपर से मतलब जो स्केल का सा ऊपर है तो वहां से लेके यहाँ पहले एक निशान लगाना चाहिए कि हमने हमें कितना हिस्सा चाहिए, ठीक है। फिर एक यहाँ से निशान लगाएंगे, फिर एक सीधी लाइन खींचेंगे। हमें एक ऊपर की सीधी लाइन चाहिए जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और एक हमें साइड की लाइन बिल्कुल सीधी चाहिए, सीधी चाहिए जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो के अगले बॉक्स होंगे हम इस लाइन से लेके फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर जाहिर है जो इधर के बॉक्स होंगे वो हम यहाँ से उसको फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो आज कल पहली वीडियो में हमने बनाया था जेरी, तो इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं टॉम। आप कोई सा भी करेक्टर उठा सकते हैं, कोई सा भी, अगर ये भी आपको मुश्किल लग रहा हो तो आप और इजी जो करेक्टर है वो उठा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये इजी लग रहा है तो आप कोई मुश्किल वाला भी उठा सकते हैं, अगर कोई फेस आप बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। तो बेसिकली ये बुनियाद है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप किसी किस्म की भी कोई भी आप ड्राइंग कर सकते हैं। मैं भी फिल वक्त यही फॉलो करता हूँ, जहाँ भी मैं ड्राइंग्स बनाता हूँ ये मैं रूल फॉलो ज़रूर करता हूँ। तो चलते हैं, पहले इसका हम बॉर्डर बनाते हैं। तो पहले हमें ये देखना है कि हमें कितना हिस्सा चाहिए, ठीक है। अगर हमें इतना हिस्सा चाहिए तो आज मैं कल मैंने बनाया था सेंटीमीटर्स में बनाया था मैंने पहले, तो आज मैं बनाऊंगा इंचज़ में, ठीक है। तो ये मुझे 3.5 इंच यहाँ रखना है, 3.5 इंच मैंने यहाँ रखा। फिर इसको एक मैंने स्ट्रेट लाइन खींचनी है, बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन खींचनी है, ये मैंने स्ट्रेट लाइन खींच ली, ठीक है। अब फिर इसके नीचे मुझे कितना चाहिए, फिर ये देखें कि अब मुझे नीचे चाहिए तकरीबन 4.5 इंच, ठीक है जी, 4.5 इंच, और ये 4.5 इंच, ओके जी। ये हमने फिर एक और लाइन खींची, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। मैं बार बार कहूँगा कि लाइनिंग स्ट्रेट है तो हमारी ड्राइंग भी स्ट्रेट रहेगी, हाँ जी। अब हमने ये बराबर साइड वाली लाइन चाहिए जो कि मैं रख रहा हूँ 2 इंच पे, ठीक है जी, ये 2 इंच पे। ये मैं लाइनें बहुत डार्क लगा रहा हूँ ताकि आपको नज़र आए, आप इन लाइनों को बहुत लाइट रखें क्योंकि फिर आपको ज़ाहिर है ये लाइनें मिटानी भी है, तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ रखा 4.5, ये रखा मैंने 4.5, ये इसको मैंने जी बंद कर दिया, ठीक है। अब क्या है देखें, 4.5 इस तरह है और 4.5 इस तरह है। अब मैं क्या करूँगा कि आधे आधे इंचेस के बॉक्स बनाऊँगा। एक मैंने यहाँ वीडियो को थोड़ा
फॉरवर्ड किया है ताकि लंबी ना वीडियो बने, तो आप समझ सकते हैं आधे आधे इंच के मैंने ये निशान लगाए थे, अब उसकी मैं लाइनिंग कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल एक साफ़ सुथरे तरीके से, ताकि लाइनें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जी, तो अभी इस पे हम नंबरिंग करेंगे, 1, 2, 7, 8, ये 9, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका। अब यही चीज़ ज़ाहिर है हमें चाहिए इस वाले पेपर पे। तो ये 9 थे, तो पहले हमने ये देखना है कि ये कितने हैं। तो हम ये टोटल 8 8 इंच से थोड़ा ज़्यादा है, तो हमने ये देखना है कि कितने 9 बॉक्सेस बनेंगे इस पे। अगर 1 1 इंच का रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सेंटीमीटर में फिर हम इसको देख सकते हैं कि सेंटीमीटर में 9 और 9 18 चलें। तो हम इस तरह दो दो सेंटीमीटर का एक बॉक्स बनाते हैं, तो 9 9 18, फिर हमारे पास बचते हैं 3। तो 1.5 मीटर, 1.5 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ के फिर हमने क्या करना है, दो दो सेंटीमीटर के बॉक्स बनाने हैं। एक, फिर सेम हमने ये यहाँ भी करना है, 1.5 मीटर का पहले स्पेस छोड़ा, बाद में फिर दो दो सेंटीमीटर पे हमने, ठीक जी। अब फिर हमने इस पेपर का साइज़ निकालना है, 30 है तो 15, हमने ये सेंटर, इसका ये 15 पे सेंटर निकला। अब हमने हमें चाहिए 9, तो दो दो इंच का एक वो है, तो 9 और 9 18, तो 9 बॉक्स हमारे इधर रहे, 9 बॉक्स इधर रहे 18। तो अभी हमने क्या करना है, दो दो सेंटीमीटर का एक निशान लगाना है, 1, ठीक जी। अब फिर हमने इसी तरह नीचे भी करना है कि हमने पहले पेपर का आधा निकालना है, कि ये पेपर का, क्योंकि ये सेंटर में बनाने के लिए ये 15 पे लगाया, अब हमने क्या करना है, इसको 18 पे रखना है, ये 9 पे रखना है जी, ठीक है। तो ये 1, ये 9, अब हमने इसकी लाइनिंग करनी है जी। जी मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि लाइनिंग सीधी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि लर्निंग के टाइम जो है ना, थोड़ी लाइनिंग अगर टेढ़ी हो गई तो ड्राइंग भी टेढ़ी हो जाएगी, फिर कहेंगे कि ये फार्मूला कुछ समझ नहीं आ रहा, गलत है। पूरे हो गए, अब फिर हमने इस पे नंबरिंग करनी है, 1 7 8, ये 9, ये नहीं है, ठीक है जी। तो अब फिर हमने वही स्टार्ट करना है, इसको फॉलो करना है, कि सबसे पहले ज़रूरी है कि आप आँख से स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये आँख जो इसकी आ रही है 8वें नंबर पे आ रही है, ये 8वां इधर है, तो और इस तरफ से देखें अगर तो 6ठे पर। आप चाहें तो फिर यहाँ भी आप निशान लगा सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, अगर यहाँ आपने लगाए हैं तो फिर यहाँ भी लाजमी है, क्योंकि इस तरफ से फॉलो भी करना है, तो 5 6 7 8 9, ठीक जी। अब यहाँ से 8वें नंबर पर, तो यहाँ से 6ठे नंबर पर, ठीक है जी, ये 8वां, ये 6ठा, तो यहाँ पर आपका ये पॉइंट, ये देखें ये पॉइंट आपने लाजमी देखने हैं कि ये तकरीबन ये बॉक्स के आधे से इसकी जो नोज़ स्टार्ट हो रही है, ठीक है, फिर ये बॉक्स के एक हिस्से तक ये इसकी आँख जा रही है, फिर ये बेसिकली आपको बहुत हेल्प करते हैं आपको ड्राइंग बनाने में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, सिर्फ हमने निशान लगाते जाना है और ये जो है ना, उसको आगे ड्राइंग को बढ़ाते जाना है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ें, ऑलरेडी ये ग्राफ लगाने का मकसद ही यही होता है कि हमने हमें ये पॉइंट ढूंढने के कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, फिर मिलाते जाना है। जैसे कि अगर आप इधर आएँ तो हमने ये रहा, इस पे क्या करना है, पहले हमने नोज़ की लाइन खींचनी है, तो ये देखें इस पे आधी हो, आधी पे आई हुई है, तो हमने ये खींची, ये इस तरह खींची, और आधे पर ही ये टर्न इस तरह मार रही है, ठीक है। फिर हम ये यहाँ पर इसके बिल्कुल एंड में ये इसकी एक और पॉइंट है, तो ये पॉइंटों, पहले पॉइंट ढूंढें आप, फिर पॉइंटों को मिलाएं, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट, ये बिल्कुल इसके लाइन के बीच में, ये देखें, तो पॉइंट ऑलरेडी बने हुए हैं, बस पॉइंट ढूंढते जाएं और मिलाते जाएं। ये देखें ये पॉइंट हमारे पास, ये पॉइंट आ गया कि इसके बिल्कुल कॉर्नर में है, तो फिर हमने ये पॉइंट इधर ढूंढना है, ये इसके कॉर्नर में है, तो अभी बस इसको खींचना है कि कर्व देना है कि किस तरह वो घुमा हुआ है।
अब यहाँ पर बस गौर से देखने की ज़रूरत है। अगर मैं आपको ये ड्राइंग करके दिखाऊं और वीडियो को फॉरवर्ड ना करूं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से सिर्फ ये देखते रहें कि मैं पॉइंट पहले सेलेक्ट करता जा रहा हूं, बाद में फिर उन लाइनों को मिलाता जा रहा हूं। वही वो पज़ल गेम की तरह है एक। ये पहले भी हमने गेम इस तरह की खेली हैं कि पॉइंटों को मिलाना होता था, तो पहले पॉइंट बनाते जाएँ, बाद में फिर वो लकीर उस पॉइंटों तक खींचते जाएँ। तो ये ड्राइंग अगर किसी ने पढ़ी है बचपन में तो ये वही तरीका है, समझ लो कि पहले पॉइंट बनाने, फिर उन पॉइंटों को हमने मिलाते जाना है। तो अगर अच्छे तरीके से करते रहेंगे तो ड्राइंग आपको बहुत इजी लगेगी। और ये जो तरीका है इसमें 100% आप बिल्कुल परफेक्ट ड्राइंग बना सकते हैं। और इसमें ये है कि आपको एंड ऑफ द टाइम पता चलेगा कि हाँ भाई रिजल्ट 100% सेम ही निकलेगा, तो इसमें कोई रिस्क उठाने वाली बात नहीं होती। तो मैंने काफ़ी बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई हैं जिसमें यही मैं करता हूँ आज भी। अभी जो भी आर्टिस्ट लोग बनाते हैं तो यही फॉलो करते हैं। प्रोजेक्टर भी है लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है प्रोजेक्टर पे काम करना, तो ये चीज़ अच्छी है बहुत। जी दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा कि एक छोटे से टॉम को कैसे मैंने कन्वर्ट किया बड़े साइज के पेज पे। तो वही मैंने फार्मूला आजमाया है जो कि मैंने आपको बताया है कि ग्राफ बिल्कुल सीधे रखने चाहिए। इसमें मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा बड़ों से जिनके बच्चे ड्राइंग सीख रहे हैं कि शायद उनको ये साइजेस के बारे में इलम ना हो कि इंचेस क्या होते हैं, सेंटीमीटर क्या होते हैं। तो प्लीज उनकी आप हेल्प करें कि उनको साइजेस बना के दिखाएं या उनको समझाएं कि इस तरह लाइनिंग सीधी होगी। और मैं बच्चों को भी यही मेरा मैसेज है कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप अपने मॉम डैड से पूछें कि ये अंकल क्या कह रहे हैं कि ये जो सीधी लाइन है वो हम किस तरह लगाएं। तो चलें, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक ना करें। कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि इस वीडियो में आपको क्या चीज अच्छी नहीं लगी ताकि अगली जो वीडियो बनाऊं उसमें वो कोताही में बिल्कुल ना करूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।